नमस्कार दोस्तों, आज होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश हुआ। डॉक्टर मनोज राजौरिया, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर से सांसद बने हैं, उन्होंने इस बिल के समर्थन में काफी सारे तर्क प्रस्तुत किए। इसके साथ ही साथ उन्होंने आयुष और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के डेवलपमेंट के लिए भी अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से आयुष मंत्रालय बना और आयुष चिकित्सा पद्धतियों का काफी सारा विकास हुआ। होम्योपैथी के लिए दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की स्थापना हुई और जयपुर में होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर के लिए 30 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने संसद में खड़े होकर यह भी कहा है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर और उससे अधिक ही पढ़ाई करता है, किंतु उसे वह मान सम्मान नहीं मिलता जो एक एमबीबीएस डॉक्टर को मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रत्येक प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक, देश के प्रत्येक गांव-गांव तक सरकारी होम्योपैथिक डॉक्टरों की नियुक्ति करना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी मांग की है कि आयुष की पोस्ट में से करीब 30% पोस्ट होम्योपैथिक डॉक्टरों से भरी जानी चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीज आप इस वीडियो में देखिए। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, आप देख रहे हैं होम्योयोगी। मैं खुद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैंने बीएचएमएस एमडी किया है राजस्थान के जयपुर से। और होम्योपैथिक छोड़कर जब मैं 2014 में सांसद बना, पहली बार इस लोकसभा में आया, तो मुझे भी सपना था कि मोदी जी क्या करेंगे। मैं पुनः मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आयुष पद्धतियों को कभी भी इस देश में इतनी मान्यता नहीं मिली थी जितनी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर आयुष मंत्रालय का गठन किया और एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जो उन्होंने महत्व दिया, पूरा एक विभिन्न अलग मंत्रालय बनाया। उनकी नियत के साथ में एक अच्छे योद्धा उनको मिले, एक अच्छे मंत्री मिले, आदरणीय श्री श्रीपद नायक जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं इनको भी आभार व्यक्त करता दूंगा और आप सबको भी आभार व्यक्त करना चाहिए कि इनके नेतृत्व में जिस तरीके से आयुष ने पिछले 5 साल में काम किया। आप अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को जिस तरीके से पूरे दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, ये भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, उसमें आयुष मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरीके से आयुष के माध्यम से पूरे देश के उन गरीबों को, आम जनता को और अन्य सभी अल्टरनेटिव सिस्टम्स को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान की उन्नति के लिए सभी की हमको आवश्यकता है, सबको सबको साथ लेकर और सबका विकास करने में हमारे प्रधानमंत्री जी विश्वास रखते हैं, इसीलिए चिकित्सा पद्धतियों में भी उन्होंने एलोपैथी के साथ साथ में आयुष की जो पद्धतियां थी उनको भी सबको साथ लिया, इसलिए अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया। आयुष मंत्रालय के साथ में इंटरनेशनल योगा डे मनाया। और मैं आपकी जानकारी में दूंगा कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी पीड़ा होती थी कि जिन कॉलेज में हम पढ़ते हैं कि यहाँ जब हमारे सब्जेक्ट सारे होते थे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, गायनी, ऑफ सर्जरी, ईएनटी, ऑफ, सारे सब्जेक्ट जो एमबीबीएस में होते हैं वो सारे होते थे। उसके अलावा 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते थे हमारे, गायनी, हम गायन, इनके गायन के अलावा हमारे पास रिपर्टरी होता था, मेट्रोमेडिका होता था, ऑर्गनन होता था। तब हमको ये लगता था कि काश ऐसे कॉलेज हो जब हम एमबीबीएस से कम कहीं नहीं होते, उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कॉलेजों की क्वालिटी नहीं होती थी। टाइम वही 5.5 साल बीएचएमएस करने में लगता था, एमडी करने में 3 साल लगता था, लेकिन फिर कहाँ कमी थी कि नियत में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कॉलेजों की क्वालिटी में, कॉलेजों की ट्रांसपेरेंसी में। मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय पिछले 5 साल में काम कर रहा और अभी दोबारा नई पारी वो बड़े ऊर्जा और उत्साह के साथ शुरू कर रहे हैं, हमको उनको उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि आखिर में ये आयुष मंत्रालय के द्वारा इस भारत की जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, भारत के गरीबों के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को 21वीं सदी में विश्वगुरु बनाने के लिए भी आयुष का बहुत बड़ा योगदान है। आज जिस तरीके से पिछले 5 साल में, होम्योपैथी की बात करता हूँ, माननीय मंत्री जी मेरे सामने बैठे हैं, जयपुर के अंदर भी मेरे साथ जाकर इन्होंने एक बहुत बड़े 30 करोड़ रुपये का रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, बहुत बड़ा। पूरे देश में जिस तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूट होम्योपैथी के लिए खोले जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जिस तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक दिल्ली के अंदर बन रहा है और बहुत तेजी से बन रहा है, कभी नेशनल इंस्टीट्यूट दिल्ली में आज तक क्यों नहीं बना, ये इस मंत्रालय की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार ने पूरे देश के अंदर लगभग 1,25,000 वेलनेस सेंटर्स खोलने का एक परिकल्पना की है। उस 1,25,000 वेलनेस सेंटर्स में से 10% हमारे माननीय मंत्री जी आयुष मंत्रालय को भारत सरकार ने दिए हैं और वो 10% की संख्या 12,500 होती है। वो बहुत बड़ी संख्या में उन वेलनेस सेंटर्स पे आयुष डॉक्टर्स की नियुक्तियां होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमारे माननीय मंत्री जी श्रीपद नायक जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं, जिस तरीके से आम जन खेत में काम कर रहे हैं, इनको हमें सहयोग करना चाहिए, इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। माननीय मंत्री जी,
एक चीज से तो मैं जरूर हमारे चौधरी साहब की बात से सहमत हूँ कि जो इन्होंने कहा कि ये गरीबों की चिकित्सा पद्धति है, और जो आपने कहा कि गांव-गांव तक नीचे तक प्रत्येक डिस्पेंसरी पर डॉक्टर होने चाहिए, ये आपकी मांग आपने बहुत जायज उठाई है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और माननीय मंत्री जी को मैं आग्रह करूँगा कि माननीय मंत्री जी, देश में जितने भी PSC हैं उन PSC पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स की भी नियुक्ति आपको आयुष डॉक्टर्स की हो, और उन आयुष डॉक्टर्स की जो नियुक्तियां हो उसमें 30% कम से कम होम्योपैथिक डॉक्टर्स की PSCs पे नियुक्ति हो, जिससे होम्योपैथी के साथ में अन्य आयुष पद्धतियों को भी बराबर बढ़ावा मिले। जिस तरीके से बिल की भावना है कि देश में ईमानदारी के साथ काम किया जाए, जिस तरीके से भावना है कि आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, सबके लिए सुलभ चिकित्सा पद्धति उपलब्ध हो, और होम्योपैथिक मैं सोचता हूँ कि सबसे सस्ती, सरल, सुलभ और प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। एक ऐसी होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो कि गरीबों के लिए काम करती है, आम आदमी के लिए काम करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करती है, इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे कॉलेज बनाने के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अगर हमको ये बिल लाना है तो ये बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है।